आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर घायल अवस्था में पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। रूपावास के समीप शिवपुरा गांव का मामला। मुकदमा संख्या 63 दिनांक 3 जून को शिवपुरा का निष्पक्ष अनुसंधान करने व शिवपुरा के मुजरिम भागीरथ देवासी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीड़ित राम सिंह निवासी रूपावास घायल अवस्था में जिला मुख्यालय पहुँच पुलिस अधीक्षक राहुल कोटेकी को ज्ञापन दिया। पीड़ित राम सिंह ने बताया कि किसी मामले को लेकर मैंने गवाही दी थी, उसी के चलते नाराज होकर मेरे साथ मारपीट करते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए, जिसका मुकदमा मैंने संबंधित थाने में दर्ज करवाया, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी मुजरिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसको लेकर पहले भी एक अन्य को भी मारपीट करते हुए घायल किया था। मेरी मांग है कि मुजरिम का खौफ पूरे गाँव में है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाए ताकि गांव वालों अपनी आजाद जिंदगी जी सके। जिला अध्यक्ष हूँ अभी कांग्रेस का। अच्छा, मेरे साथ में हमारे गांव के अंदर निवासियों के गांव एक बागेश्वर निवासी है, उसका गिरोह और गैंग बनी हुई है, अवैध हथियार रखता है और ये कम से कम एक महीने में 3 घटनाएं मेरे जैसे हुई। मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर फटे तोड़ दिए, अभी मैं पैन नहीं उठा सकता हूँ। आज मेरी हालत ये है, इसका 30% अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मुंबई या अहमदाबाद जाना पड़ेगा। मेरी कोई दुश्मनी नहीं उससे, गाँव में ये कोई मुकदमा हुआ उसमें मैं मातल बन गया, तो उसने एक मेघवाल था वो भी मातल बना, उसको भी तोड़ दिया और मेरे को भी तोड़ दिया कि तुमने मातल कैसे बन गए हमारे दादागिरी है साहब, क्या कहूँ। अगर वो अगर पुलिस ये हमें और मार देगा, कारतूस वगैरह का सब कुछ। आपने इसकी शिकायत की थी स्थानीय पुलिस को? जाके मिलके आई हूँ। अभी आप स्टेशन मिलके आओ। स्टेशन एस पी साहब ने क्या कहा आपको? एस पी साहब ने तो बात सुनी है और वो आदेश दिया है, कोई दिया है अंदर। कौन से गांव की घटना? शिवपुरा में।